वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियोस में हमने वायसराय गवर्नर का टॉपिक ओपन किया था मॉडर्न हिस्ट्री में, उसी के अगले क्रम में हम चलेंगे, देखते हैं कौन से वायसराय गवर्नर, जो भी पदवी होती होगी, कौन सा नेक्स्ट हमारा आता है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वेलेज अली तक पढ़ा दिया था और वेलेज अली का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब इन्होंने टीपू सुल्तान का सर कलम किया था तो इनके उपाधि दी गई थी मार्क्विस की उपाधि। तो टीपू सुल्तान को जो जाना जाता है तो आप अच्छे से बताएं कि कई इन्होंने हजारों मंदिरों का नष्ट किया था, भारतीय मंदिरों के काफी नष्ट किया था और इनको लास्ट में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु वेलेज अली के द्वारा होती है। वेलेज अली का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई थी, तो कौन था, वेले जली था। उसके बाद बात करते हैं 1805 से 1807 के दौरान भारत में जो आए थे बंगाल गवर्नर जनरल, अभी बंगाल गवर्नर जनरल चल रहा है, बंगाल गवर्नर जनरल आए थे सर जॉर्ज बालो आए थे, और जो इनकी स्ट्रेटजी थी भारत में काम करने की, हस्तक्षेप के लिए, हस्तक्षेप मीन्स नॉन इंटरफेयरिंग, किसी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, तो जो जैसा हो रहा है मैसूर के प्रति हमने कोई इंटरफेयरिंग ज्यादा की ही नहीं, कुछ नॉन इंटरफेयरिंग, बिल्कुल शांत अपने हिसाब से काम चल रहा है, इसीलिए शायद ज्यादा रुक भी नहीं पाए, महज 2 साल इन्होंने इंडिया में देखा है एज ए बंगाल गवर्नर। आगे बात करते हैं 1807 से 1813, ये हैं दोस्तों मिंटो प्रथम और एक मिंटो द्वितीय भी आएंगे, वो आएंगे 1905 से 1910, अभी मिंटो द्वितीय आएंगे, वो मिंटो द्वितीय हैं और ये मिंटो प्रथम, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अभी तुरंत यूपी ट्रिपल एससी का पेपर अगर आपके पास रखा हो दोस्तों, उठा के देखिए, उसमें 2019 में जो परीक्षा हुई थी इलाहाबाद से इंटर गया था रैगी वालों का, उसमें क्वेश्चन आया था कि अमृतसर की संधि कब हुई है 1809 में और किसके द्वारा, राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी, किसकी संधि हुई थी, अमृतसर की संधि। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अमृतसर की संधि किस राजा के साथ हुई, तो राजा रणजीत सिंह, कब हुई है 1809 में हुई है, किसके समय में हुई है, मिंटो प्रथम के समय में हुई है। चलिए ये 2 पॉइंट क्लियर होंगे, ये क्वेश्चन भी आया आप तुरंत चेक कर सकते हैं। और फिर क्योंकि पेपर अलग अलग डेज पर मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्ट में था, एक शिफ्ट में क्वेश्चन ये आया और अगले शिफ्ट में क्वेश्चन ये आ गया था, कहां गया 1807, यस यहां पे 5 से 7 में लिखना भूल गया मैं, एक हुई थी बिल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था यहां पर 1806 में, ये 1806 में दोस्तों विल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। पूछा गया था विल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ है, तो विल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में, ये भी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में अभी जल्द ही लोअर पीसेस वाले में पूछा गया था। तो 2 टॉपिक हमारे खत्म होते हैं, 2 बंगाल गवर्नर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा 1813 से 23, ये समय है लॉर्ड हेस्टिंग्स, और दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाना किसके लिए जाता है, इनको जाना जाता है, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया था, जो पेपर में लगातार पूछा जा रहा था, वो था पिंडारियों का दमन। खास बात ध्यान दीजिएगा, पिंडारियों का दमन पूर्णतया भारत में कब हुआ 1824 में, इनका कार्यकाल क्या है 1813 से 23। अगर पूछा जाए इस जो इधर बात के बंगाल के गवर्नर जनरल आए हुए हैं सबसे लंबा कार्यकाल इधर बाद वालों में 1800 बाद में जो आ रहे हैं, तो इनका अच्छा कार्यकाल दिख रहा है 13 से 23, लगभग 10 साल तक इन्होंने भारत में एज अ बंगाल गवर्नर के पद पे कार्य किया, पिंडारियों का दमन किया। क्या था, मराठाओं को लॉर्ड हेस्टिंग्स अपना शत्रु शुरू से मानते थे, जबकि राजपूतों को अपना मित्र मानते थे, कहते थे ये हमारे प्राकृतिक मित्र हैं, और मराठाओं को प्राकृतिक शत्रु बोलते थे।
तो मराठाओं को पिंडारियों को पूर्णतः रूप से दमन करने का जो श्रेय जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है, जबकि कार्यकाल 23 तक था, दमन 24 में हुआ है, लेकिन श्रेय इन्हीं का है। क्यों? इन्होंने 1813 से ही इस पे काम करना शुरू कर दिया था, तो श्रेय तो इन्हीं को जाएगा। भले ही 1824 में खत्म हुए, पिंडारी पूर्णतः समाप्त हो गए, लेकिन ये जो मुहिम छेड़ी गई थी वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में छेड़ी गई थी, इसलिए श्रेय किसको जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाएगा। दूसरा दोस्तों, पिंडारियों पे एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, पिंडारी आई थी, सलमान खान की मूवी आई थी कुछ समय पहले, तो वह पूर्णतः मूवी इन्हीं के ऊपर थी। आगे आइए, एक ये बड़ा फेमस युद्ध हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल में अंग्रेज और नेपालों के बीच, नेपाल नेपाल में जो गोरखा होते हैं, गोरखा के बीच में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1814 से 1816 के बीच, और इसमें संधि हुई थी, इसमें संधि हुई थी, इस संधि का नाम है संगोली की संधि। तो क्वेश्चन पूछता है संगोली की संधि किसके किसके बीच हुई है? तो गोरखा और अंग्रेज, या नेपाल और अंग्रेजों के बीच हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछता है रैयत वाली व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? रैयत वाली व्यवस्था किसकी देन है? तो टॉमस मुनरो की देन है। रैयत वाली पूछता है, अस्थाई बंदोबस्त पूछता है, अस्थाई बंदोबस्त आपको पढ़ा चुके हैं, लॉर्ड कौन वॉलिस की देन थी, रैयत वाली किसकी देन है? ये टॉमस मुनरो द्वारा, और सबसे पहले कहां लागू की गई है? मद्रास में लागू की गई। आगे बात करिए, इन्हीं के समय में 1822 में टेनेसी एक्ट आया, जिसको हम काश्तकारी अधिनियम भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन सीधे पूछेगा टेनेसी एक्ट कब आया? दोस्तों 1822 में आया। किसके समय में आया? ये आपका कौन चला? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आया। इतने पॉइंट यहाँ देखने वाले हैं जो इनके समय के एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर 1823 से 28 के बीच में बात करिए, तो ये पूछा था बैरकपुर की छावनी की जो घटना हुई थी, बैरकपुर छावनी में विद्रोह हो गया था, कब विद्रोह हुआ था? 1824 में हुआ था। तो इस समय देखिए, इस समय होते कौन है? एमहेस्ट, ये है एमहेस्ट। इस समय के बंगाल गवर्नर जनरल कौन है? एमहेस्ट है। जैसे हेस्टिंग्स के बाद कौन है? एमहेस्ट। कितने साल के लिए? 23 से 28, 5 सालों के लिए। आगे बात करें, 28 से 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इस समय आया, विलियम बेंटिंक। ये कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इनके समय का सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना इधर देखिए, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। किसके द्वारा? राजा राममोहन राय के द्वारा। राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा प्रथम गवर्नर जनरल जो बना भारत का, वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कैसे बना, अभी मैं समझा रहा हूं। इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, बहुत क्वेश्चन पूछा गया कि सती प्रथा पर किसने रोक लगाई? विलियम बेंटिंक की मदद से राजा राममोहन राय ने लगाई, राजा राममोहन राय ने, लेकिन मदद किसने की? विलियम बेंटिंक। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सती प्रथा पर रोक किसके समय में लगाई गई? विलियम बेंटिंक के समय लगाई गई, क्लियर। इसके अलावा 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा पे भी रोक लगवाई, किसकी सहायता से? कर्नल स्लीमैन। तो क्वेश्चन पूछता है कर्नल स्लीमैन का संबंध किससे है? ठगी प्रथा से है। कब रोक लगाई? 1830 में। नेक्स्ट, इनके समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो आप बहुत इंग्लिश में बोलते हैं, पढ़ रहे हैं, इसका मेन श्रेय किसका था? राजा राममोहन राय। इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार किया, और विलियम बेंटिंक के ही समय में अंग्रेजी के प्रचार प्रसार हेतु मैकाले मिनट फेमस है, मैकाले मिनट इन्हीं के समय आए हुए थे और अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार। आगे, कलकत्ता में इन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी कराई है। तो दोस्तों, विलियम बेंटिंक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, सब भूल जाना, दो तीन कॉमन क्वेश्चन है, आप किसी साल का पेपर उठा के देख लो, चाहे वनडे हो, चाहे सिविल हो, चाहे जो भी, चाहे एकेडमिक क्वेश्चन, मिल जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सीधे नाम रख लीजिए, राजा राममोहन राय, 1828 में, किसके समय? विलियम बेंटिंक के समय में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, सती प्रथा पे रोक 1829, किसके द्वारा? राजा राममोहन राय।
आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए 35 से 36 ये आपके हैं दोस्तों मेटकॉफ। कौन है? मेटकॉफ। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, इन्होंने क्या किया, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है भारतीय प्रेस पे जितने प्रतिबंध लगे थे कौन हटाया? मेटकॉफ हटाते हैं। एम फॉर मीडिया, एम फॉर मेटकॉफ। ऐसे आपके मीडिया पे जो सारे रिस्ट्रिक्शन थे कि आप छाप नहीं सकते, ये नहीं कर सकते हैं, ये सारे रिस्ट्रिक्शन खत्म करने का श्रेय किसको जाता है? मेटकॉफ को जाता है। नेक्स्ट 36 से 42, 36 से 42 तो ये देखिए ये दोस्तों हो गए आपके हर्डिंग और ये हो गए आपके ऑकलैंड। ऑकलैंड और ये हो गए एलनबरो। सो 1836 से 42 बीच में खास घटना क्या है? इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज पराजित हो गए। तो पूछता है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ है? 38 से 42 के बीच। किसके समय में? ऑकलैंड। उस समय जो भारत के अब भारत के गवर्नर जनरल स्टार्ट हो गए हैं, ये भारत के गवर्नर जनरल हैं। वो समझा रहा हूं कैसे, समझिए बात पहले इसको देख लीजिए। दो पॉइंट बचे कि मैं उस पॉइंट को समझाते रहूं बहुत अच्छे से। 1836 से 42 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो आपके ऑकलैंड थे और इनके समय में युद्ध होता है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। नेक्स्ट 42 से 44 की बात करें, इनकी क्या नीति थी? कुशल अतमृता की नीति इन्होंने फॉलो किया और इन्होंने दास प्रथा का अंत किया और इन्हीं के समय में सिंध का विलय हो गया है। तो ये कौन था? एलन बरो। किसके समय में? एलन बरो के समय में हुआ है। तो ये 42 से 44 का जो कार्यकाल था एलन बरो का था, 36 से 42 का कार्यकाल किसका था? ऑकलैंड का था। आगे लास्ट 44 से 48, इस समय आपके थे हर्डिंग प्रथम। कौन थे? हर्डिंग प्रथम। इनका समय खास बात प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के लिए जाने जाते हैं और ये कब हुआ है? 45 से 46 के बीच में और इनके समय में आपकी लाहौर की संधि हुई है और नरबली हेतु कैंपबेल की नियुक्ति भी इन्हीं के समय में हुई है। तो क्वेश्चन पूछता है कैंपबेल का संबंध किससे है? नरबली। नरबली प्रथा चलती थी हमारे, ठीक है। तो इसकी समाप्ति किसके समय की गई है? 1844 से 48 के बीच में की गई। किसके समय में? हर्डिंग के समय है। अब चलिए ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा तो कंफ्यूज कर रहा होगा, ऑर्डर कैसे याद कर, मैं एक तरीका शॉर्टकट दे रहा हूं, आप भूलेंगे नहीं कभी। पहले तो आप उसको पढ़ लीजिए कि यहां चेंजेस क्या हुए, देखिएगा। 1833 में एक एक्ट आता है, इस एक्ट के तहत जो अभी आपके चल रहे थे विलियम, ज्यादा ऊपर लिखते सेक्शन भी नया आपको, विलियम बेंटिंक चले, इनका कार्यकाल था दोस्तों 1828 से 1835। अब ध्यान दीजिएगा 1828 से 35 के बीच में जो आपका एक्ट आया था वो 1833 का एक्ट था और इस एक्ट के तहत ये इस समय कौन पदवी चल रही थी? इस समय आपकी पदवी चल रही थी दोस्तों बंगाल गवर्नर जनरल और यहां पे भारत गवर्नर जनरल। 1833 के बाद लगभग संपूर्ण भारत में, 1800 के बाद लगभग संपूर्ण भारत में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। क्यों? 1799 में आपके पुर्तिया टीपू सुल्तान का वध हो गया था तो ये हिसाब किताब पूरा खत्म हो गया था। मराठा भी का लगभग दमन हो गया था 1824 तक। तो 1833 के एक्ट के तहत
जिसकी रेंज केवल बंगाल तक थी उसको पूरा पूरा भारत दे दिया गया कि अब आप केवल बंगाल नहीं देखेंगे पूरा भारत देखिए। इसलिए नाम की पदवी बदल गई। जिस व्यक्ति को अभी कौन सी मोहर मिली थी, बंगाल गवर्नर जनरल, उसका पद बदल के कर क्या कर दिया, भारत गवर्नर जनरल। कब? 1833। तो 1833 में बड़ा महत्वपूर्ण चीज ध्यान दीजिएगा, 1828 से 1833 इन 5 सालों के लिए कौन, विलियम बेंटिंक एज अ कौन सा पद पे काम किया, बंगाल गवर्नर जनरल पे काम किया। फिर 1833 के ठीक बाद 1835 इन 2 सालों के लिए किस पद पे काम किया, भारत गवर्नर जनरल। अब यहां से 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, खास बात, इसके बाद कोई बंगाल गवर्नर जनरल नहीं बना होगा, तो अंतिम बंगाल गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंक। और प्रथम भारत, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंक। मतलब जितने भी होंगे वो जो फर्स्ट होगा वही लास्ट होगा, जो लास्ट होगा वही फर्स्ट होगा, क्योंकि अक्सर जो एक्ट आए किसी के कार्यकाल के बीच में आए हैं। तो यहां से ये मोहर हमेशा के लिए खत्म हो गई जो उनके पास रही होगी, कौन सी, बंगाल गवर्नर जनरल। अब उनके पास कौन सी स्टॉम्प मिल गई होगी, भारत गवर्नर जनरल। तो ये क्वेश्चन हर पेपर में बहुत पूछा जाता है कि भैया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंक थे। किस एक्ट के तहत, नियम आते थे 1833 एक्ट के तहत, ये चीज देख लीजिए। अब एक आपको हम छोटा सा शॉर्टकट दे रहे हैं, अक्सर लोग भूल जाते हैं किसके बाद कौन आया कौन गया, ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा सा है, इससे हमेशा याद रखेंगे। इसको आप क्या पढ़ेंगे, बीबी मालिन है, ये छोटा सा शॉर्टकट है, इससे आप इन गवर्नर्स के आने का क्रम बहुत इजीली लगा लेंगे, ये आने का क्रम है, ध्यान दीजिएगा। बीबी, बीबी से मेरा सेंस है विलियम, विलियम बेंटिंक। एम, एम फॉर मेरा सेंस है मेटकॉफ, मतलब विलियम बेंटिंक के बाद मेटकॉफ आएंगे, विलियम बेंटिंक के बाद कौन आएगा, मेटकॉफ। दीदी मा आ, जब मैं बोलता हूं मा आ तो आ निकलता, आ फॉर ऑकलैंड। तो इस बढ़िया की मात्रा से जो अगला व्यक्ति आएगा कौन होगा, ऑकलैंड होगा। मा लिन, लिन 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 से आएगा हमारा नेक्स्ट एलेन बरो आएगा, है से लास्ट वन इज हार्डिंग। ये और दूसरी बात, मैं एक मैथमेटिकल तरीका बता रहा हूं उसको निकालने का, ध्यान दीजिएगा। आपने तो रट लिया 1828 से 35, अब इकाई का नंबर मैथमेटिकल तरीके से जोड़ते जाओ ईयर बनते चले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 35 में एक जोड़ा 36, एक पहले जोड़ा 66, 6 6 42 की दो, यानी कार्यकाल 36 से 42 हुआ, 42 42 में लास्ट क्या है 2 जोड़ो क्या आएगा 4, 4 जोड़िए 4 4 8 बन रहा है। अक्सर लोग कार्यकाल भूल जाते हैं और भूल जाते हैं कौन आया क्रम में, क्वेश्चन ये आता है कि इनके आने का क्रम लगाइए। और फिर इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण नाम है 1848 से 1856, डलहौजी का नाम सुना होगा आपने, आपने डलहौजी का नाम सुना होगा 28 ये, फिर 1856 से 1862, देखिए फिर मैंने जोड़ दिया 6 6 12 की दो, 6 6 12 की दो, ये हो गया। और लास्ट में 1862 से 1863, एक बढ़ा के चालू किया था एक बढ़ा के रोक दिया। फिर देखिए इकाई पकड़िएगा लास्ट यूनिट पे, 35 से 36 वन जो ऐड किया, अब इकाई ऐड करते चले जाओ लास्ट नंबर 6 and 6 12 का 2 2 2 4 4 4 8 8 2 16 का 6 12 का 2 एंड अगेन 2 1 3, ये लगातार ये आपके हो गए केनिंग, और ये हो गए आपके लास्ट में जो आएंगे 62 से 63 लॉरेंस, वहां आ जाएंगे। तो वहां की बात करेंगे हम, यहाँ पे आपके इसके बाद एल्गिन प्रथम आएंगे फिर लॉरेंस हो जाएंगे आपके। चलिए तो दोस्तों ये शॉर्टकट बहुत अच्छा है, इससे आप क्रम नहीं भूलेंगे। बी बी मालिन है, सही है, बीबी मालिन है, मालिन जैसे घर के सारे काम करती है, आपको खाना खिलाती है, बर्तन धुलती, सारे काम करती है,
तो एक ऐसे ये है कि आप याद बहुत इजली हो जाएगा आपको, इसको याद कर लीजिए। बीबी मालिन है, बी फॉर विलियम बेंटिक, एम फॉर मेटकॉफ, अ फॉर ऑकलैंड, लिन फॉर एडिनबरो, है फॉर हार्डिंग। तो दोस्तों आज का हमारा इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति लेके चलेंगे, ऐसा भारत गवर्नर जनरल जो कि इतिहास में फेमस हो गया अपने कार्यों के कारण। कार्य क्या था? एक दूसरे का छीन लो, हड़प। और क्वेश्चन आता है हड़प नीति किसकी थी, तो हड़प नीति किसकी थी? डलहौजी। आप जिस रेल से यात्रा कर रहे हैं वो रेल की देन किसकी है? डलहौजी की देन है। तो डलहौजी आपके जिस आप रोड पे घूम रहे हैं आपकी डिपार्टमेंट है, आप सरकारी डिपार्टमेंट है PWD, वो किसकी देन है? डलहौजी की देन है। तो डलहौजी से अक्सर एक प्रश्न पूछा ही जाता है, आप अगर एक साल में 10 पेपर बैठ रहे हैं तो चैलेंज है 7 पेपर में डलहौजी का नाम एग्जाम में मिल जाएगा। तो दोस्तों वो आपको हम उस पर फोकस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि अधिकतर लोग घर पे बैठ के लॉकडाउन को फॉलो करके पढ़ाई कर सके। जय हिंद, जय भारत।